अगर आपके घर में भी बहुत सारे कपड़े निकलते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए है, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए ही है। बहुत सारे कपड़े निकलते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, और एक साल बाद जैसे ठंड ख़त्म हो जाती है उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो ये ब्लैंकेट भी छोटे बच्चों का ही है, लेकिन अब बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं तो, लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा था, तो इस ब्लैंकेट को यूज़ करूँगी बिना कटिंग के, बिना किसी स्टिचिंग के। जी हाँ, इसमें कोई सिलाई मशीन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हाथ से ही जो भी काम होगा, लेकिन बहुत आसान तरीके से। तो सारे वेस्ट कपड़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इससे बनाएंगे बहुत ही काम की चीज़ जो बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैंकेट को आपको ऐसे फोर फोल्ड में फोल्ड करना है ताकि इसके कॉर्नर से कॉर्नर आप मिला सकें। ये एक फोल्ड हो गया, उसके बाद दूसरा एक फोल्ड कर लेंगे और उसके कॉर्नर पर हम निशान लगाएंगे। अब ये रहा इसका कॉर्नर, और कॉर्नर से आपको इसको पकड़ना है, और यहाँ से पाँच इंच जितना आपको लगाना है निशान लगा लीजिए। तो मैं एक बार यहाँ से इसमें देख लेती हूँ कितना आ रहा है, क्योंकि ये कर्व है तो इसका एकदम कॉर्नर वाला हिस्सा निकाल लूँगी, और यहाँ से मैं इसको पूरा एक ब्लॉक बना लूँगी 5x5 का। अब यही निशान हम बाकी तीनों पार्ट्स में भी कर लेंगे, और इसको हमको बस ऐसे पकड़ना है और यहाँ से सिलाई करनी है, बस यही काम करना है, और आपका एक बड़ा ही प्यारा सा एक चीज़ बन जाएगी। तो बस इन निशानों को ध्यान में रखिएगा, चारों में एक ही तरह के निशान लगने हैं और चारों को एक ही जगह से आपको पकड़ना है, ठीक है। इन कॉर्नर को पकड़ना है, उसके बाद हम सुई धागे से इसको हम टक कर लेंगे। छोटी बड़ी हर तरह की सुई आप से आप काम कर सकते हैं, और इन कॉर्नर को स्टिच करने में आपको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। सिंपल रनिंग स्टिच करनी है, आप चाहे तो यहाँ पे डबल स्टिच कर लीजिए ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। इतने मोटे ब्लैंकेट होते हैं कि आप मशीन में नहीं सिल पाएंगे, लेकिन हाथ से आसानी से ये सिल जाएगा, ठीक है। तो चारों कॉर्नर को इसी तरह से कम्प्लीट कर लेंगे, और ये जो भी हम काम कर रहे हैं हम उल्टे साइड से कर रहे हैं। तो देखिए, ब्लैंकेट के चारों कॉर्नर को मैंने स्टिच कर लिया है, और ये बॉक्स जैसा बन गया है। ये कोई स्टोरेज बैग नहीं है, और इसके जो कॉर्नर है आप चाहे तो उसको भी साइड साइड में सिल सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं सिलूंगी, मैं सिंपल ऐसे ही रख रही हूँ ताकि जब तक मुझे यूज़ करना हो मैं इसको यूज़ करूँ, उसके बाद जब मन करेगा तो मैं इसको खोल दूंगी, तो ये वापस ब्लैंकेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये पूरे कॉर्नर इसके स्टिच हो चुके हैं, कॉर्नर जो निकले थे उसको मैंने अंदर कर दिया है और इसको फ्रंट से पलट दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया है रेडी। अब ऊपर वाले के लिए हम कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, अगर आपके पास स्वेटर है तो स्वेटर ले लीजिए, या फिर कोई भी मोटी बेडशीट, या फिर कोई भी ब्लैंकेट अगर आपके पास कोई पुराना हो वो ले लीजिए, या फिर बहुत सारे कपड़े निकलते हैं विंटर में, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुर्ती का कपड़ा ले सकते हैं, सूट का कपड़ा ले सकते हैं। अब इसी को ही नाप करके पूरा मैं मेजरमेंट कर ले रही हूँ, तो ये 15x18 का पूरा आ रहा है, पूरा स्क्वायर। अब इसको इसी के बराबर कपड़ा कट कर लेंगे, और ये है एक फैदर वाला टॉप, और इसको मैं कट करके पूरा हिस्सा निकाल लूँगी, और इससे मैच भी करेगा क्योंकि उसमें जो डॉट्स हैं वो भी येलो हैं, तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो बस इतना हिस्सा निकाल लूँगी, और अगर कम पड़ेगा तो उसको बीच से ज्वाइन कर देंगे, तो जहाँ भी कर्व है इसको स्ट्रेट कर देंगे और इसके बराबर पूरा कपड़ा निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने ब्लैंकेट को एक बार फिर से उल्टा करा है और कपड़े को भी उल्टा करके पूरा स्टिच कर दिया, हाथों से ही स्टिच करा है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी, और थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ छोड़ा है जहाँ से हम इसमें कुछ भी फिल कर सकें। कुछ भी फिल करने का मतलब है, अगर आपके पास कतरने हैं तो कतरने भरिए, अगर फाइबर है तो फाइबर भरिए, नहीं तो जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड पार्ट हटा दीजिए, जैसे कि उसमें बटन है ये सब हटा दीजिए, बाकी सब आप इसमें फिल कर सकते हैं। इस पर इतना सारा कपड़ा आ जाएगा कि आपके पास जो कपड़े आप सोचते हैं ना कहाँ क्या करें, तो वो सब इसमें फिल कर सकते हैं, और इसको फिल करने के बाद बन जाएगी एक बहुत ही काम की चीज़ इस विंटर में। जी हाँ, जितने भी कपड़े एक्स्ट्रा निकलते हैं सब आप इस तरीके से उसको फिल कर सकते हैं, और उनको एक ठिकाना तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ बनेगी बहुत ही काम की चीज़ इस विंटर में।
चारों तरफ से मैंने इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है जहाँ से हम इसको फिल कर सकें। और इस तरीके से देखिए पूरा मैंने सीधा कर लिया। देखिए कहीं कोई कटिंग नहीं है, फिर भी प्रॉपर बॉक्स बन गया है और कॉर्नर कितने अच्छे आए इसमें। अब जितना भी आपके पास कपड़ा हो, कतरने बचती हो, साइड वाली कपड़े की कतरने हो, पुराने सूट हो, उनको कट कर लीजिए। छोटे बच्चों के कपड़े हैं वो तो सॉफ्ट होते हैं, वुलन, आप उनको ऐसे ही भर सकते हैं। बड़े हैं तो उनको कट कर लीजिए। इस तरीके से जितना मर्जी आप इसमें कपड़ा भर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है इस विंटर में अपने पुराने कपड़ों को यूज़ करने का। तो इससे बनाएंगे हम बहुत ही प्यारा सा फ्लोर सोफ़ा, जिसमें बड़े भी बैठ सकते हैं और बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं फिल। उसके बाद जितना जो ओपन हिस्सा है इसको हम हाथों से ही टक कर लेंगे। बस आप ध्यान ये रखिएगा, जब भी आप फिल करें तो कॉर्नर को अच्छे से फिल करिएगा। चारों कॉर्नर को अच्छे से फिल करना है। उसके बाद सेंटर में भी अच्छे से फिल करना है। उसके बाद धीरे धीरे कॉर्नर से कॉर्नर पूरा अच्छे से फिल कर दीजिए, ठीक है। तो जितना हार्ड फैब्रिक है, जो मोटा है, उसको आप बीच में रख लीजिए और सबसे ऊपर टॉप पे आप सॉफ्ट फैब्रिक या पतली सी लेयर भी लगा सकते हैं कपड़े की, या फिर बेडशीट को फोल्ड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा शेप आ जाएगा और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो कॉर्नर को फिल करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छे से फिल कर सकते हैं उतना फिल कर लीजिए। उसके बाद इसको स्टिच कर लीजिए। तो ये देखिए स्क्वायर पफ रेडी है। इसको आप फ्लोर सोफे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर सीटिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत प्यारा बना है, सिंपल हाथों से बना है। कभी भी आप इसको चाहें तो खोल सकते हैं और वापस इसको प्रॉपर उसी शेप में ला सकते हैं। कहीं कोई कटिंग नहीं हुई है तो पुराने कपड़ों का यूज़ है बेस्ट, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये कम से कम 14 साल पुराना ये है मेरे बच्चे का। जब बच्चे होते हैं ना तब उनको फर्स्ट टाइम मिलता है, तो मैंने इसको इतना संभाल के रखा था। तो अब जब बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो मैंने उसके लिए बनाया है और बच्चों को ये बहुत पसंद भी आता है। तो इस विंटर में ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपके पास इस तरह के कपड़े हों उनसे बनाइए, नहीं तो आप किसी भी कपड़े से इसको बना सकते हैं। एक तो इसको बनाने से फ़ायदा ये है कि आपको स्पेस तो मिल ही जाएगा बैठने में, और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और साथ ही साथ इतने जो कपड़े निकलते हैं ना, जब आप बहुत परेशान हो जाते हो कि करें क्या, किसी को दे भी नहीं सकते, या फिर समझ नहीं आता इनको देना भी है कि नहीं देना है, तो बस इस तरह के बना करके आप फ्लोर सोफ़ा अपने बच्चों को भी बना सक के दे सकते हैं और ख़ुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे यूज़ करें या फिर बड़े यूज़ करें, बहुत ही परफेक्ट है और इस विंटर में सबसे यूज़फुल है। तो जितने भी बेकार कपड़े निकलते हैं इस तरीके से आप बनाइए, उनको दीजिए और उनको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए कितने मज़े से बैठा हुआ है। इस तरीके से आप सारे कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत समझाने बुझाने के बाद ये तो शराफत से बैठा, वैसे ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। उसी बैठो, जल्दी से आओ, उसी बैठो, आके उसी बैठो, आके बैठ जाओ, बैठ जाओ। वेरी गुड।